मैं हूँ आपकी डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? इंटरनेशनल न्यूट्रिशन वीक स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम टुडे, आज से 1 सितंबर है। आज 1 सितंबर को न्यूट्रिशन वीक हमारा स्टार्ट होता है, 7 सितंबर तक ये चलता है। तो आज के लिए हमने एक स्पेशल इवेंट रखा है। अब तक मैंने आप लोगों के साथ में कोई भी लाइव रेसिपी शेयर नहीं की। मेरे क्लिनिक से रेसिपीज शेयर हुई हैं पर वो रिकॉर्डेड वीडियोस थे किचन से, लेकिन मैंने लाइव रेसिपी आप लोगों के लिए कभी नहीं बनाई। हमेशा हम डाइट चैट में आप लोगों से बात करते हैं, एनी टाइम स्नैक, गिल्ट फ्री स्नैक, लो कैलरी स्नैक्स। आज हम वही स्नैक आपके साथ शेयर करने वाले हैं, बिल्कुल ऐसा स्नैक जो हर एक को पसंद है और इंस्टेंट बना सकते हैं विद इन 5 मिनट। 5 मिनट में जो स्नैक रेडी हो जाता है, नेम गेस करेंगे आप? भेलपुड़ी, जो कि सबसे पहले जिसका मेन इंग्रेडिएंट है मुरमुरा, डाइट मुरमुरा भी कह सकते हैं आप इसे, आप इसे राइस पफ भी कह सकते हैं और पंजाबी लैंग्वेज में इसे खील भी बोलते हैं, खिल्ले भी बोलते हैं। ये जो मुरमुरा है मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है नमक और हल्दी डाल के, आधा चम्मच कोकोनट ऑयल डाला, हल्का सा उसे पैन में रोस्ट किया और रोस्ट करते वक्त ही थोड़ी सी हल्दी पाउडर और नमक इसमें ऐड ऑन कर दिया, जिससे कि इसका कलर चेंज हो गया, प्यारा है ना। और इसके अंदर जब हम सैलड मिक्स करते हैं, आप देखते हैं बच्चे हमारे सैलड खाने में बहुत आनाकानी करते हैं, प्याज नहीं खाना, टमाटर नहीं खाना, खीरे नहीं खाने, कुछ भी जो सैलड जो फ्रूट्स बच्चे नहीं खाते आप डाइट भेलपुड़ी में ऐड ऑन कर सकते हैं। ये बिल्कुल टोटली टेम्पटिंग लुक में आने वाला एक स्नैक है जो कि बहुत टेस्टी लगता है और बिल्कुल लो कैलोरी स्नैक है। तो आइए बिना देरी करें अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो इन्ग्रीडियंट डालते हैं वो है अनियन। अभी मैं आपको पहले अपने इन्ग्रीडियंट्स इंट्रोड्यूस करा दूँ। सेकेंड हमारा जो इन्ग्रीडियंट है टमाटोस। इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से एलमंड्स लिए हैं, जिन लोगों को विटामिन ई की कमी रहती है वो लोग एलमंड्स को यूज़ कर सकते हैं। एलमंड्स टोटली ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है, आप चाहे तो डाल लें चाहे तो ना डालें। ये रेजिन्स हैं किशमिश, आपके आयरन लेवल को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी हैं, जिन लोगों का HB लेवल कम रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छी हैं। थोड़ा सा मंची करने के लिए, क्रंची करने के लिए मैंने थोड़े से जो ये शुगर फ्री कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, थोड़ा इसमें क्रंच अच्छा रहता है। वैसे तो आप जो सेव होती है या आलू भुजिया होता है या बेसन भुजिया होता है, लेकिन मैं टोटली ऑप्शन मैंने वो रखा हुआ है कि डाइट जो हमारा ऑप्शन है, हमने न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ फ्राइड कुछ भी नहीं लिया। ये मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है थोड़ा सा ग्रेट करके गार्निशिंग के लिए। थोड़ी सी रोस्टेड मैंने चना दाल ली है। इसके अलावा ग्रीन चिली, ऑल टाइम माय फेवरेट, ये मैंने रॉ ग्रीन चिली लिया है जो हमेशा मुझे तो पसंद होती है हर रेसिपी में। इसके साथ थोड़ी सी धनिया और पुदीना की मैंने ग्रीन चटनी ली है, आप इससे कोट करेंगे, इससे मैरिनेशन बनाएंगे। एक मैंने इमली और खजूर की मीठी चटनी ली है जो कि आपके इस टेस्ट को बिल्कुल खट्टा मीठा कर देगी। जिन लोगों को थोड़ा खट्टा मीठा पसंद है उन लोगों के लिए इमली और खजूर की ये चटनी बहुत टेस्टी है, और जिनको नहीं पसंद वो ओनली लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, नींबू का यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने थोड़े से पीनट लिए हैं, इसमें आप इसमें हाई प्रोटीन आपका जो सोर्स है वो भी इससे कंप्लीट हो जाता है। देन थोड़ा सा चाट मसाला और ब्लैक पेपर और काला नमक, उसका मैंने मिक्सचर लिया है, काली मिर्च और काला नमक का, थोड़ा सा आप इसे टेस्टी बना सकते हैं। रेड चिली पाउडर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया है क्योंकि पर्सनली मुझे ग्रीन चिली ही पसंद है और काली मिर्ची यानी ब्लैक पेपर पसंद है, मैंने रेड चिली पाउडर नहीं लिया। सबसे पहले हम इसका जो मिक्सचर है, मैरिनेशन है एक तरह का, वो हम रेडी करते हैं। अनियन मैंने बड़े बाउल में डाल लिए हैं, अभी टमाटोज हमने डाल लिए हैं, ये लगभग एक बड़े साइज का प्याज था, एक बड़े साइज का टमाटर था। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल रहे हैं, थोड़ी सी मैं ऊपर गार्निश करने के लिए रख रही हूँ बचा के, ग्रीन चिली, आपके घर में बच्चे अगर ज्यादा छोटे हैं तो आप ग्रीन चिली को अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा तीखा हो जाता है इसको डालने के बाद। ब्लैक पेपर
मैं थोड़ा सा सॉल्ट कम पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने सॉल्ट कम यूज किया है। 1/4 टीस्पून ही चाट मसाला पाउडर, ये आप लोग आधा चम्मच के करीब इसमें चाट मसाला पाउडर ले सकते हैं। पुदीना की चटनी, मिंट का जो फ्लेवर है वो हमेशा ही बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। और ये जो खजूर की चटनी है ये आप देखेंगे कि आपके टेस्ट को डबल कर देगी। मैं अपने वाली भेल के अंदर हमेशा एक चम्मच एक्स्ट्रा लेती हूँ। पीनट्स, पीनट आप ऐड कर सकते हैं, पीनट का आप छिलका रिमूव भी कर सकते हैं, इसमें पीनट के साथ में आप चना भी ऐड कर सकते हैं, वो भी प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें भेल को ऐड करेंगे, यानी कि मुरमुरा को ऐड करेंगे, जिससे कि ये भेल पूरी बन जाए। ये बहुत इजी बनने वाला स्नैक है, बहुत ही इजीली मिक्स हो जाती है। बच्चों को आप पेपर कॉर्न बना के उसमें भी दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप देखेंगे कि आपका चौपाटी स्टाइल में और रोड स्टाइल के अंदर आपका भेलपुरी बन जाएगा। अभी आप देखेंगे कि मैंने कॉर्नफ्लेक्स को ऐड नहीं किया है, कोकोनट्स को ऐड नहीं किया है, वो हम इसकी प्लेटिंग करते हुए ऐड करेंगे। थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स मैं इसमें क्रश करके ऐड कर देती हूँ। आप देखेंगे इसका क्रंच आपको शायद सुनाई दे रहा हो, तो कैमरा मुझसे थोड़ी दूर है शायद साउंड, क्योंकि मेरा खुद का फर्स्ट एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ लाइव आने में, वीडियो बनाने में, तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, पर आप लोगों ने अप्रिशिएट करना है इसे। अभी हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। एक मैंने बाउल ले लिया, देखेंगे जब इस बाउल को मैंने लिया तो इसके ऊपर हम प्लेटिंग करते वक्त थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स को क्रश करके इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में इसका मंच और थोड़ी सी चना दाल, रोस्टेड चना दाल है, गिल्ट फ्री है, ले सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। ग्रीन चिली जिनको पसंद है वो ग्रीन चिली को भी ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। आपके रेजिंस, आलमंड्स, नींबू हमने पहले नहीं डाला है जिससे कि भेल आपकी सोगी ना हो जाए। लेमन लास्ट में आप जरूर डालें क्योंकि मुरमुरा का टेस्ट लेमन से एनहांस ही होता है। और अब जो है वो फ्रेश कोकोनट, फ्रेश कोकोनट हमेशा डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों का टेस्ट होता है और बहुत सारे लोगों का टेस्ट नहीं होता, जिनका फ्रेश कोकोनट के साथ में टेस्ट नहीं है। ये हाई पोटेशियम है, पोटेशियम रिच होने की वजह से ये आपके स्किन के लिए, हाइड्रेशन के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स हमेशा पूरे रहने चाहिए। आप इसकी जगह पनीर भी डाल सकते हैं, पनीर को आप ग्रेट कर सकते हैं, छोटे छोटे क्यूब्स बना सकते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं। अभी जो हमारी भेल है वो एकदम रेडी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना नाइस लुक इसका आया है। दिखने में जितनी प्यारी लग रही है उतनी ही खाने में भी टेस्टी होगी, आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि ये मेरे बच्चों की भी बहुत फेवरेट है और बंसल साहब की भी बहुत फेवरेट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भेल आप हमेशा किसी भी टाइम खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवन कहीं भी, कभी भी, एनी टाइम स्नैक इसीलिए इसे बोला जाता है। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी, फिनिश करना चाहूँगी। एक बार फिर से आप लोग भेल को देख सकते हैं अच्छे से, then keep watching, keep sharing। जय श्री बालाजी।